ड बिलियन डॉलर रेवेन्यू इंडिया की पहली कंपनी भाई साहब हंड्रेड बिलियन डॉलर रेवेन्यू ए आर पी यू इंच एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है देखो टोटल प्रॉफिट तो हम देखते हैं लेकिन टोटल प्रॉफिट के साथ साथ ये देखते हैं कितने यूजर्स हैं पर यूजर कितना प्रॉफिट है उसी के हिसाब से उस बिजनेस की वैल्यूएशन होती है ध्यान रखो जरा बात को तो एवरेज एवेन्यू पर यूजर इंच हायर तो वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और अभी तो जियो ने अपनी सारी फैसिलिटीज लॉन्च ही नहीं करी हैं आप तक नेटवर्क पहुंचाया है आप तक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बिल्ड कर लिया है अभी तो एक या दो ही प्रोडक्ट्स उसके आए हैं अभी तो देखना लाइन में पाइपलाइन में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होगा ना बूम पे होगा बूम पे आप देखते जाओ जब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने धीरे धीरे लॉन्च कर देगा तब आप देखना उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका रेवेन्यू कितना सॉलिड होने वाला है बहुत जबरदस्त रिलायंस जियो बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है काफी कुछ ही टाइम पीरियड में रिटेल बिजनेस ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड अदर्स रिटेल बिजनेस रिलायंस रिटेल भाई साहब बूम बूम है ये बूम बहुत बड़े बिजनेस है दोनों के दोनों बिजनेस और जो केमिकल बिजनेस में ये कूदा है भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो ये जो बिजनेस इसके चल रहे हैं बहुत जबरदस्त बिजनेस हैं और बहुत जल्दी इनसे रिलेटेड आईपीओ भी आएगा ये कंपनियां लिस्ट होंगी तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स हैं उनको बल्ले बल्ले होने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से वेल्थ इंक्रीज होने वाली है गारंटी देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलायंस से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है देखो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अमेजोन अगर टांग अड़ा रहा है तो वो टांग क्यों अड़ा रहा है समझ के देखो आप क्योंकि रिलायंस रिटेल एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है बहुत बड़ा बिजनेस और रिलायंस जियो भी छोटा नहीं रहेगा वो जब अपने सारे के सारे पत्ते खोल देगा ना जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आएगा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो सेम रहेगी लेकिन प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू इंक्रीज होता चला जाएगा तब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एकदम बूम पे हो जाएगा और फिर आप देखना इस कंपनी की वर्थ और रिलायंस रिटेल की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता यार वो तो एकदम चंदा मामा है एकदम है ना ठीक है जी So Reliance became the first ever company in India to report over itna billion in annual revenue the company reported a record annual consolidated revenue at rupees itna crore which rose 47% year after year the company also posted a record annual consolidated ebitda at itna crore

रिलायंस रिटेल केमिकल और आपके पास ग्रीन एनर्जी ये जो चार सेक्टर्स में इसने डाइवर्सिफाई किया है ना बहुत बड़े लेवल पे डाइवर्सिफाई किया है अभी तो घुटनों पे चल रहे हैं अभी तो आप ये समझ के चलो कि इस कंपनी चली नहीं रही है एक तरीके से कंपनी के जो सारे बिजनेसेस हैं जो बड़े बड़े सॉलिड धुरंधर हैं उन योद्धाओं ने अभी कमाना शुरू ही नहीं करा है भाई साहब बहुत सुपर फ्यूचर है तो मैं तो कहता हूं अगर मार्केट गिर रही है और इस शेयर डाउन है तो भैया कुछ ना कुछ शेयर दो तीन शेयर खरीद के डाल दो जब रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो ये सारी कंपनीज लिस्ट होंगी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी बहुत बड़ी चीज होने वाली है बहुत ज्यादा बड़ी चीज एकदम चलो जी तो बहुत बड़ी चीज आपके से बोल रहा हूं तो अगर मार्केट गिर रही है एक दो एक दो शेयर भी खरीद सकते हो तो वो भी खरीद के डाल दो एक शेयर खरीद सकते हो वो ही खरीद के डाल दो यार कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा आहा और ऐसा नहीं है जबरदस्ती का पैसा फंसाने का नहीं बहुत सारे शेयर्स हैं बहुत कुछ है कभी भी एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाते हैं थोड़ा 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 करके समझ रहे हो आप बात को चलो जी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय तो बहुत अच्छी चीज है बहुत ज्यादा अच्छी चीज है बहुत सॉलिड रिजल्ट्स है, हैं बहुत सॉलिड प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्योंकि जो चारों बिजनेस में ये डाइवर्सिफाई कर रहा हो और जिस स्पीड से जा रहा है मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय